हेलो लर्नर्स, आज हम पीआर एकेडमी में एनओएस कोर्स कोड 608 बेसिक कंप्यूटिंग क्लास 10 सेकेंडरी के बारे में चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेसिक कंप्यूटिंग जो पहले एक वोकेशनल कोर्स हुआ करता था सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स में, अभी वो सेकेंडरी में जोड़ दिया गया। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे हम उसको एग्जाम में लिखेंगे, कुछ एब्रीवेशंस हमें स्टार्टअप में ही दिए गए हैं, जरा उस पर एक नजर देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि तुम देख पा रहे हो, यहां पर बहुत सारे एब्रीवेशंस दिए गए हैं जो रिलेटेड टू हमारे टॉपिक्स हैं। सवाल इनसे भी पूछे जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, एरर ट्रू फॉल्स, तो ये सारी चीजों को भी हमें पढ़ना है। और ये सारी चीजें हमारे चैप्टर के अंदर भी एक के बाद एक हमें दिखाई पड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम जब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर। जैसे कहा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च। ये एक डिवाइस है जिसे हम लोग कंप्यूटिंग के लिए, यानी कि कैलकुलेशंस के लिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन के लिए, ऑनलाइन वर्क के लिए, ये एक इनपुट सोर्स है जो प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है। कंप्यूटर हम लोग ट्रस्ट वर्थी चीजों के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी, स्पीड, जल्दी से काम करना, बड़े बड़े डाटा को सॉल्व करना, ये सारी चीजें हमारी बहुत आसान कर देता है। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च, मोबाइल टावर्स, नेटवर्क, प्रोग्रामिंग्स, जॉब्स करने के लिए, मेल्स करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस जिसमें आप अभी पढ़ पा रहे हैं, ये सारे चीजें आज कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। बहुत सारी किताबें भी आ चुकी हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आ चुके हैं, ये सारे आज कंप्यूटर की सहायता की वजह से ही हो पा रहे हैं। जब हम सेकेंड 1.1 में बात करते हैं, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो फिजिकल कंपोनेंट्स होता है जिसे हम टच करके देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर का वो भाग है जो हमारे टच कर सकते हैं, ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है। सॉफ्टवेयर होते हैं जो कलेक्शन ऑफ डाटा, जो उसके अंदर प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। हर एक प्रोग्राम अपने अपने कार्य के लिए बनाया हुआ है, मैथमेटिकल फंक्शन कुछ करने के लिए, अगर आपको किसी के साथ चैट करना है तो वो अलग होगा, मेल करना है तो मेलिंग सॉफ्टवेयर होगा, ब्राउजर्स है, वेबसाइट है, सब सॉफ्टवेयर्स अलग अलग है। जैसे एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ है, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरे पार्ट्स के बारे में जब बात करते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स सर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स माउस, मॉनिटर, सीपीयू, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लेजर प्रिंटर, प्रिंटर्स, ये सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस ऑफिस का पैकेज, वेबसाइट, वेब पेजेस, जिसमें एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सी सी प्रोग्रामिंग के लिए अलग एक सॉफ्टवेयर है, टैली के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें एमएस ऑफिस के अंदर आते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स को जो पेरिफेरल डिवाइसेस है जिसे हम लोग टच करके देख सकते हैं, माउस है एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर आउटपुट है, प्रिंटर है जिसे भी टच करके देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर अलग अलग है, देख तो नहीं सकते पर इस्तेमाल कर सकते हैं, छू नहीं सकते पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर कैटेगराइज किया होता है कैसे? सर इनपुट क्या क्या है, सर आउटपुट क्या क्या है, ये दोनों डिवाइसेस अलग अलग हैं, दोनों का काम भी अलग है, लेकिन दोनों ही यूजर द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है। सॉफ्टवेयर भी कैटेगराइज है, कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए काम करते हैं, जब कंप्यूटर खुद अपने लिए काम करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें यूजर काम करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम देख पा रहे हैं एक ब्लॉक डायग्राम जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और नीचे मेमोरी। ये सिंपली एक ब्लॉक डायग्राम है कि कंप्यूटर किस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, सॉरी कीबोर्ड, माउस, ये सब जो चीजें हैं जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल की, जॉयस्टिक है ना, लाइट पेन, जिससे हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ जाते हैं? सीपीयू में। वहां पर एएलयू और सीयू का काम स्टार्ट होता है।
एएलयू क्या है? ये लॉजिकल जितने भी फंक्शंस होते हैं, प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन, कुछ गेट्स भी होते हैं, और गेट, नैंड गेट, और गेट, तो इसका काम सब देखते हैं। गेट्स का काम होता है, गेट्स बाद में बात करेंगे। कंट्रोल का काम होता है इसे मेमोरी तक पहुंचाना, किसे स्टोर करना है, किसे प्रोसेस करना है और किसे पब्लिश करना है। मेमोरी का काम होता है डेटा को, प्रोसेसिंग डेटा को अपने में स्टोर करके रखना। एक होता है परमानेंट, जिसे हम लोग कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, दूसरा होता है कैश मेमोरी होल्ड करके रखने के लिए, वो उसे रजिस्टर करता है और लास्ट में ये आउटपुट जनरेट करता है। अब उसको आप मॉनिटर में देखिए या प्रिंटर में हार्ड कॉपी करिए, ये दोनों ही आउटपुट कहलाते हैं। आउटपुट में प्रिंटर का इस्तेमाल हम लोग कहते हैं, गाना सुनना है तो स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, देखना है तो मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कॉपी अगर देखना है तो मॉनिटर में हो जाएगा, अगर हार्ड कॉपी चाहते हैं तो प्रिंटर में ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बेसिक फंक्शंस क्या है सर कंप्यूटर के? देखिए कंप्यूटर कुछ बेसिक सिद्धांतों पे काम करता है, जैसा कि इनपुट लेना। इनपुट कौन देता है? यूजर देता है। किस तरह का डेटा? वो हर डेटा जो इनपुट डिवाइस द्वारा दिया जा सकता है वो कंप्यूटर के लिए रिसीविंग है और वो डेटा कहलाएगा। प्रोसेसिंग क्या है? दिए गए डेटा में अर्थमेटिक फंक्शंस क्या क्या हैं, लॉजिकल फंक्शंस क्या क्या हैं, नहीं है तो कौन सा ऑपरेशंस के अंदर आता है। बाकी फंक्शंस अपना काम करते हैं, ASCII की अपना काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, आगे आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करता है, हार्ड डिस्क में हो, सीडी में हो, पेनड्राइव में हो, मेमोरी में हो, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होता है, स्टोर करके रखता है। और जैसे ही हम इसे अलाउ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये ऑब्टेन कर देता है रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस में। नेक्स्ट, इसमें कंपोनेंट्स पूछा है। इनपुट डिवाइसेस मैंने पहले कहा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये इनपुट भी है, आउटपुट भी है, ब्रेन की तरह काम करता है। जिस तरह हमारा ब्रेन हमारे सारे शरीर को संचालित करता है, उसी तरह एक सीपीयू जो होता है, ये सारे शरीर की तरह सीपीयू के सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है। ये इनपुट को भी लेता है, स्टोर भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, फिर रिजल्ट को भी ऑब्टेन करता है। मेमोरी का काम होता है जो भी चीजें प्रोसेस होके आई हैं, भले वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो, वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल, इसे स्टोर करना। आउटपुट डिवाइस का काम क्या होता है? डिस्प्ले करना रिजल्ट्स को, जो भी आपने इनपुट दिया है और सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया है, ये उसे दिखाएगा, भले वो एरर फ्री हो या एरर के साथ हो। जो आप इनपुट करेंगे उसी तरह से कंप्यूटर अकॉर्डिंगली वर्क करता है और आउटपुट जनरेट कर लेता है। ये मॉनिटर में पहले दिखाई देगा, उसके बाद आप जो भी चाहेंगे उसमें हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, सुनना है तो सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात किया जाए। इसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड को साधारण भाषा में बता रहा हूं, कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखने वाला है, जिसमें साधारण रूप से एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की तक हम लोग पाए जा सकते हैं। जो कीबोर्ड की जो बनावट होती है उसे हम लोग क्वार्टी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही क्वार्टी लिखा हुआ पाया जाता है, QWERTY सब लिखा हुआ होता है कीबोर्ड के ऊपर में। नेक्स्ट, कीबोर्ड के सर और बारे में बताइए। देखिए, कीबोर्ड अल्फाबेटिक की को होल्ड करता है, न्यूमेरिक की को 0 to 9 होल्ड करता है, अल्फाबेट को A to Z रखता है, फंक्शन की पाए जाते हैं जो F1 से लेके F12 तक हैं। इसके बावजूद भी कुछ कीज होते हैं जिसको हम लोग स्पेशल कीज बोलते हैं। उसके बाद टैब है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट दोनों तरफ पाया जाता है, ऑल्ट दोनों तरफ पाया जाता है, विंड बटन है, विंडोज बटन है, उसका अपना इस्तेमाल है, एंटर की है, ये नेमलॉक में भी पाया जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जब आप देखेंगे तो अलग अलग भी पैड में बना होता है। नेक्स्ट, माउस क्या है सर? देखिए, माउस PS2, ऑप्टिकल और वायरलेस, ये तीन अलग अलग तरीके के माउस होते हैं। इसमें एक LMB बटन, एक RMB बटन और बीच में जो पाया जाता है स्क्रॉल है, ये अप डाउन करने के लिए कहा जाता है। मैक्सिमम हमारे जो कार्य हैं वो लेफ्ट क्लिक से किए जाते हैं, सिलेक्शन देना, डबल क्लिक करके ओपन करना, ये सारे काम क्या है इसके अंदर किए जाते हैं। राइट की जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उसे ओपन करने के लिए, रीनेम करने के लिए, डिलीट करने के लिए या प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए, लेफ्ट की के ऊपर किसी भी चीज को सेलेक्ट करके हम लोग देखने के लिए करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का काम करता है, रीनेम करने का काम करता है, ओपन करने का काम करता है, यूजर के डायरेक्शंस को फॉलो करता है। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके